फूड कॉर्नर में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बर्गर। बर्गर बनाने जा रही हूँ बिल्कुल नॉर्मल अलग स्टाइल में, जैसा कि हम नॉर्मली खाते हैं मार्केट में। मार्केट जैसा बर्गर मैं घर पे बनाकर तैयार करूंगी। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। पर रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगी, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद आने पर लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बर्गर की। ये हैं आलू। आलू मैंने उबाल कर, दो आलू हैं और मैश करके इस तरह से लिए हैं। इस तरह से बिल्कुल मैश करके टिक्की के लिए हम आलू लेंगे। ये बर्गर लिए हैं, दो मीडियम साइज के बर्गर हैं। छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, आप किसी भी तरह के बर्गर ले सकते हैं। ये हरी चटनी है, इसका लिंक आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप हरी चटनी का लिंक देख सकते हैं। ये टमाटर के साइज इस तरह से मैंने काट लिए हैं। पत्ता गोभी है, इसको इस तरह से काट लीजिएगा। ऑयल यूज़ करेंगे और ये मसाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैन गर्म होने के रख दिया, तब तक टिक्की बना लेते हैं। इस तरह से हम टिक्की बनाकर तैयार करेंगे। इसी तरह देसी टिक्की बनाएंगे। पैन गरम हो गया, हम इसमें तेल डालेंगे। बहुत कम ऑयल यूज करेंगे टिक्की के लिए, बहुत ज्यादा ऑयल यूज नहीं करेंगे। इस तरह से बराबर इसमें टिक्की को शरण पाएंगे। ये टिक्की प्योर आलू की बनाई होती है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, ना ही अरारोट, ना ही कुछ और। प्योर आलू की टिक्की है और आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से शैलो फ्राई कर रही हूँ। और बनने के बाद आपको देखेंगे कि ये कितनी क्रिस्पी हो जाएगी। तो इसे शैलो फ्राई करें। एक डेढ़ मिनट हो चुका है और आराम से टिक्की को पलट कर देखेंगे। देखिए अच्छा कलर हुआ है। देख सकते हैं टिक्की किस तरह से मैं बिल्कुल कम ऑयल में मैंने तैयार की है। आसपास आप देख सकते हैं बर्तन में कोई भी तेल नहीं लगा हुआ है और कम तेल में बनाकर तैयार की है, उसमें ज़्यादा ऑयल यूज नहीं हुआ है, इसीलिए इसे हेल्दी कर सकते हैं। जल्दी है ही एक मिनट के लिए और इसे थोड़ा सा सेकेंगे। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, देखने से आप देख सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको हाथ लगा के दिखा रही हूँ। मैंने कढ़ाई रखी है, ऑयल गर्म कर रही हूँ जिसमें हम बर्गर को तलेंगे। तेल गर्म होने देते हैं, जो हमें बर्गर भी यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम डालेंगे नमक, आमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चूर पाउडर के साथ हमने इसमें डाल दिया है जलजीरा पाउडर। आमचूर और जलजीरा दोनों यूज़ करेंगे। और ये है काला नमक। इन सारे मसालों को हम मिक्स कर लेते हैं जो हम बर्गर में लगाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये हो गया हमारा मसाला रेडी। गरम हो गया तो अब हम इसमें बर्गर को तलेंगे। ये देखिए कितनी बड़े अच्छी तरह से बर्गर जो है सीखते हैं। देखिए दोनों तरफ से अच्छी तरह ब्राउन हो गया है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह हम बाकी बर्गर सीख के तैयार करते हैं।
निकाल रहे हैं इस वक्त बर्गर, तो हमें सावधानी से कट करना है। इस तरह से सावधानी से कट करें, इस तरह से दोनों बर्गर को कट करें। सबसे पहले लगाएंगे चटनी, चटनी अपने स्वाद के अनुसार लगाएं, कम खाते हैं तो कम, ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा। अब लगाएंगे बंद गोभी, मसाला छिड़केंगे बनाकर रखा था। इस तरह से ढक के रखें। टमाटर, अगेन बंद गोभी। आप चाहें तो इसमें पनीर के स्लाइसेस या चीज के स्लाइसेस, जो भी आपको पसंद हो वो आप लगा सकते हैं। ऑप्शनल है, जो भी आप लगाना चाहें इसके साथ वो आप लगा सकते हैं। मसाला छिड़के, इस तरह आराम से इसे बंद करें। ये देखिए बर्गर बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर और डिलीशियस लग रहे हैं देखने में, तो खाने में कितना स्वाद होगा। तो एक बार इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको फिनिश कैसा। आसानी से बर्गर बनाकर तैयार किया, कितना देखने में क्रंची और क्रिस्पी भी था। एक बार आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मैं चलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट।